हेलो गाइस, आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल बेबी से। आज मैं अपाचे RR 310 का रिव्यू करने जा रहा हूँ, सो चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपाचे RR 310 और आज मैं इसके बारे में कुछ खासियत बताने वाला हूँ। तो ये हम लोग का फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो नया तैयार किया गया है, शादी करने का साथ साथ ये VI LED दो चलेगा, दो चला रहेगा, ठीक है। ऊपर से आएगा फुल बॉडी एरोडायनामिक के साथ, और ये जो लुकिंग मिरर है ये एडजस्टेबल है, ये आप ऐसे भी खोल के बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, अभी एरोडायनामिक यूज कर सकते हैं। और उसका साथ साथ और क्या आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हेजल लैंप, ठीक है, गोल लैंप, ठीक है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ABS डुअल चैनल ABS का साथ आएगा, ठीक है। और सबसे हेवी मेटल जो यूज किया गया है काइबा का सस्पेंशन, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और आप इस तरफ आइए, तो इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये हम लोग का फुल फेयरिंग बाइक है, जिसमें आपका लिखा रहेगा जो RR 310 हाईलाइट रहेगा, ये RR का फुल फॉर्म है, रेसिंग रेप्लिका, ठीक है। और इस तरफ अपाचे हाईलाइट लिखा रहेगा। और भी इसका साथ और भी खासियत जो है, इधर पे हम लोग का है वाटर हीट एब्जॉर्बर, जो ICC बाइक में क्या होता है, ज़्यादातर इंजन हीट होने से वो हीट हम लोग का पैर में लगता है, तो जिससे अनकंफर्टेबल रहता है, तो इसमें हम लोग का वाटर हीट एब्जॉर्बर दिया गया है, जो हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब करेगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। ये जो है हम लोग का काइबा का जो हेवी मतलब मेटल यूज़ किया गया है, मोनोशकर इसमें दिखाई देगा, मोनोशकर। और इस तरफ आने से आपको मिलेगा ह्यूज साइलेंसर, जो गाड़ी का मतलब लुक्स और भी खासियत बनाता है, साउंड क्वालिटी भी प्रेजेंट डिसेंट है, और भी यूज देखने के लिए मतलब मोस्ट बड़ा असर देखने के लिए ये साइलेंसर यूज करेंगे, ठीक है। और इधर पे हम लोग का 35 का सिंबल दिया गया है, जो क्यों दिया गया ये बताइए। ये हम लोग का 35 साल से जो TVS कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट आस्ते आस्ते बनाते जा रहा है, वो सब कुछ इस बाइक में दिया गया है, तो इसके कारण से ये 35 ईयर्स दिया गया, ठीक है। और इस तरफ आइए, ये हम लोग का इसमें भी बहुत सारा मतलब फंक्शन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं गियर इंडिकेटर, यहाँ पे कितना गियर पे है, न्यूट्रल पे या कितना क्या है, इधर पे आप शो करेगा। ये आपका आएगा इंजन टेम्परेचर, उसके ऊपर आएगा फ्यूल मतलब कितना फ्यूल है नहीं है, उसके बाद आपका टाइमिंग एंड इंजन टेम्परेचर, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये आएगा आपका RPM मीटर, और इस तरफ माई मीटर। प्लस इधर पे बहुत सारा मोड ऑप्शन रहेगा, जैसे सेटअप रहेगा, प्लस आपका इंजन टेम्परेचर, माइलेज 0 to 60, Trip 1, Trip 2, प्लस हैजर्ड लैंप, लैप सिस्टम, हाई स्पीड, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। ये फ्यूल टैंक है 11 लीटर, ठीक है, प्लस इसका BHP आएगा 34 BHP, एंड माइलेज 30 बताया गया है, लेकिन 25 मिलेगा, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं, ये 180 आएगा, 180 में ग्राउंड क्लियरेंस। और इसका इंजन के बारे में, इंजन के बारे में, ये बैक रिवर्स इंजन है, जिसके कारण आपका BMW का साथ टाइप किया हुआ है, ये यूरोपियन जो ब्रांड है उसका साथ BMW का साथ टाइप किया हुआ है, इसीलिए इसका पावर सब कुछ बढ़िया है दूसरा गाड़ी से। इसका एयर फिल्टर भी आगे, मतलब गाड़ी जितना आगे जाएगा उस एयर एब्जॉर्ब करेगा, इंजन में देगा, परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा, तो ये दूसरा गाड़ी से कंपेयर किया नहीं जा सकता। ये 165 टायर देख सकते हैं, मिसलिन का टायर दिया गया है विद डुअल चैनल ABS का साथ, साइज टायर साइज, टायर साइज आपका आएगा 150 by 60, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर आने से आप देखेंगे जो हम लोग का जो टेल लैंप है, ये डेविल मॉन्स्टर का जो सिंग रहता है, सेम इसका शेप में दिया गया। और ये गाड़ी में जितना सारा लाइट यूज किया गया है सब LED बल्ब, इस तरफ देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आपका सारी गाड़ी लगाया गया है, ठीक है। और सबसे मेन पार्ट जो है हम लोग का जो इंजन है, ये आएगा बैक रिवर्स साइड इंजन,
जिसके कारण से आपका इंजन का पावर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, माइलेज भी बेटर रहेगा, और इसका दूसरा गाड़ी का से कंपेयर किया नहीं जाता। इसका एयर फिल्टर आगे है, मतलब गाड़ी जितना आगे तरफ जाएगा एयर एब्जॉर्ब करेगा, इंजन में देगा, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, प्लस माइलेज भी बेटर रहेगा और पावर भी बेटर मिलेगा।